भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? सारी योनियों में मनुष्य जीवन दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? किसलिए दुर्लभ है? ज्यादा सुंदर दिखते हो इसलिए, अच्छी पोशाक पहन लेते हो इसलिए, अच्छा खाते हो इसलिए, आप में बुद्धि ज्यादा है इसलिए। जितना सोने का सुख आप लोगों को मिलता है उससे ज्यादा ही पशु सो जाते हैं। इन्हें कभी नींद की तकलीफ नहीं होती महाराज कि नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खानी पड़ रही है? हमें तो बड़ी तकलीफ आ जाती है। खाने में इनको हमसे ज्यादा सुख है, हमें तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ये देखना पड़ता है महाराज। ये तो जो चवाल है सो राजी, जहां सो जाए वहां पर इन्हें नींद आ जाती है। एक मनुष्य को जितना भय है उससे ज्यादा पशुओं को भय होता है। संतति उत्पन्न हम और आप क्या करेंगे, ये एक एक बार में छह छह बालक पैदा कर देते हैं, आप तो इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य जीवन इसलिए श्रेष्ठ है, क्या कभी किसी जानवरों के लिए, पशुओं के लिए सत्संग रखवाया कि नहीं? भैया चलो आज जितने भी पशु हैं बालोत्रा के सबको इकट्ठा करो, सबके उद्धार के लिए रामकथा करवाएंगे, क्या उनको पल्ले पड़ेगी? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी? कि बुद्धि तो उनमें भी भगवान ने दी है, कि बुद्धि नहीं होती तो अपने बालक को कैसे पहचानेंगे? बुद्धि नहीं होगी तो एक चिड़िया भूख से तड़पते हुए बालकों को समझ करके खेतों में जाकर दाना लेकर आती और उसके मुंह में कुतर कुतर के डालती है, जानती कि ये नहीं चबा पाएगा, जानती है ये उड़ नहीं पाएगा। बुद्धि तो उनमें भी है, लेकिन कहाँ तक है? केवल खाने पीने तक सीमित है, कि बस आहार विहार कर सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं सोच सकते। लेकिन भगवान ने मनुष्य को केवल ये बुद्धि नहीं दी है, बुद्धि के साथ साथ विवेक दिया है, कि ये सब करने के उपरांत भी व्यक्ति ये सोचने में विवश हो जाता है कि ये तो कर लिए, इसके बाद भी तो करना बाकी है। किस जीवन में हमने धन नहीं अर्जित किया, पद अर्जित नहीं किया, हर जन्म जन्म में अर्जित किया और हर बार खोया है। पत्नी हमने किस जन्म में नहीं पाई, पति किस जन्म में नहीं पाया, माता पिता किस जन्म में नहीं पाए, धन कब नहीं पाया, पद प्रतिष्ठा कब नहीं पाई और एक दिन ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ा, ऐसा क्या है जिसके लिए बार बार भगवान भेज रहे हैं? पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम, क्यों क्यों बार बार भगवान हमें बार बार संसार में भेज देते हैं कि जिसको पाना था बस उसको ही भूल जाते हैं।